तो सब्सक्राइब करो, ये लाल वाले बटन का कलर चेंज कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं सब। मैं हूं आपका दोस्त सरोज सरगम अंसारी, आप देख रहे हैं मिस्टर इंडियन गेमर। यहां पे गाइस मैं आपको आज बताने वाला हूं सीजन 13 के लीक्स के बारे में, जब पबजी मोबाइल में जब हम लोग को देखने को मिलने वाला है। पेड रॉयल पास की लीक्स तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, यहां पे कुछ जो हमारा फ्री रॉयल पास है उसके बारे में बताने वाला, इवेंट जहाँ आने वाला उसके बारे में बताने वाला हूँ, बहुत सारी और भी लीक्स है तो सारी चीज़ हम लोग इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। सो फिलहाल हमारी ये वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट गेट इनटू दिस। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले यार आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो ताकि जब भी मैं कोई सी वीडियो अपलोड करूँ या फिर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। यस गाइस, देर रात में 10 बजे के बाद पबजी मोबाइल स्ट्रीम करता हूँ, तो अगर आप लोग ये वीडियो रात में देख रहे हो 10 बजे के बाद तो एक बार मेरा चैनल ओपन करना, अंदर आके देखना, मैं लाइव स्ट्रीम हो तो लाइव चैट में हाय बोल देना। और एक बात और, अगर आप लोग को पबजी मोबाइल का सीजन 13 का लीक्स देखना है 1-200 RP रिवॉर्ड, तो ऊपर आई बटन में वीडियो देता हूँ, आप लोग जाके चेक कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा। और सेकंड चीज़, अगर आपको टायर रिवॉर्ड देखना है वो भी मैं ऊपर आई बटन में देता हूँ, जाके आप लोग चेक कर सकते हो। ऊपर आई बटन में देखो ऐसे बाहर आएगा, आप लोग जाके पहले वो वीडियो भी देख लो, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं जो भी वीडियो है सारी की सारी दे दूँगा, आप लोग देख लो ताकि आप लोगों को मालूम रहे, अप टू डेट रहोगी क्या क्या आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप लोग ये यहाँ पे देख सकते हो, बहुत कमाल का पैराशूट है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो कि यार बहुत औसम लग रहा है। ये पैराशूट हम लोग गाइस इवेंट में आने वाला, ठीक है। अभी मैं आगे आपको जो भी 3-4 दिखाऊंगा सब इवेंट में आएगा। ये देख सकते हो आप लोग, कुछ ऊपर गैलेक्सी टाइप का बना हुआ है इसमें, मतलब पैराशूट में। तो ये कुछ हम लोग को इवेंट आने वाला है जिसमें यार कुछ स्पेस या गैलेक्सी टाइप नाम से रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं इसको नेक्स्ट करूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 3 हेलमेट आने वाले हैं, मतलब 3, मतलब एक हेलमेट है वो 3 लेवल है अलग अलग, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल, जो कि यार बहुत हार्ड हेलमेट है। मतलब मैं इससे ओपी हेलमेट अभी तक देखा ही नहीं हूँ पबजी में, मतलब बहुत ओपी हेलमेट बनाया है, बहुत हार्ड हेलमेट बना दिया है यहाँ पे। ये हम लोग को इवेंट में देखने को मिलेगा, सीजन 13 के साथ ही में आने वाला है हम लोग को ये वाला इवेंट, लेट सी। ओके, फिर नेक्स्ट बात करी जाए तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हो ये 3 बैकपैक, मतलब यार 1 लेवल 2 लेवल और 3 लेवल, ये 3 बैकपैक आने वाले हैं, जो कि ये भी बहुत खतरनाक बनाया है लोगों ने यार, देख सकते हो कितना खतरनाक। मुझे लग रहा है यार इवेंट यार बड़ा महंगा पड़ने वाला है हम लोग को, बड़ा महंगा पड़ना, क्योंकि बहुत ओपी चीज़ें ये लोग ऐड करे हैं। ओके, फिर नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये है हमारी M24 की स्किन, जो कि एक अपग्रेडेबल M24 की स्किन है। आप लोग देख सकते हो पहले वो 1 लेवल की है, फिर वो 2 लेवल की है, फिर वो 3 लेवल की है, तो हम लोग को यहाँ 3 लेवल तक की M24 की स्किन मिल रही है, मतलब अपग्रेडेबल स्किन है, जो कि यार इवेंट में ये भी आने वाला है। ओके, जो कि हम लोग को सीजन 13 के साथ में ही ये इवेंट देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट आई बात करी जाए तो आप लोग देखते हो तो ये है शॉर्ट गन की स्किन, शॉर्ट गन की स्किन भी सेम टू सेम M24 टाइप जैसी बनाया है, बट यार शॉर्ट गन की स्किन की जरूरत नहीं, सच्चा यही टाइप में बैरल या फिर M4 की स्किन लेकर आया तो मजा आ जाती, क्योंकि यार शॉर्ट गन की अभी भी एक अपग्रेडेबल स्किन आ रही है, मतलब आ गई है, एक अपग्रेडेबल स्किन आ गई है और ये भी एक अपग्रेडेबल स्किन लेके आ गया, तो पता नहीं कि शॉर्ट गन पे ये लोग हैरान है, बट ये लोग को शायद M4 या बैरल पे काम करना चाहिए था तो और बेटर रहता, बट यार बहुत ओपी बनाया है शॉर्ट गन की ये वाली स्किन भी और M24 की ये वाली स्किन भी, दिखने में बहुत ओपी है, बहुत हार्ड है। आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कैसा लगता है ये वाला इवेंट और M24 की स्किन कैसी लग रही है, आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर नेक्स्ट बात करी जाए तो ये है हमारी फ्री RP की स्किन, मतलब RP की जो हम लोग को फ्री स्किन मिलती है ना RP रिवॉर्ड में, जो हम लोग सीजन 13 में तकरीबन 50 RP पे देखने को मिलेगा। इस बार M16 की स्किन मिली थी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो गाइस, शायद M16 की स्किन मिली थी सीजन 12 में, तो सीजन 13 में ये वाली स्कायरल की स्किन देखने को हम लोग को मिलने वाली है, तो यार बहुत अच्छी बात है। स्कायरल की पिंक कलर की स्किन है, अच्छी यार बहुत अच्छी है स्कायरल की, मेरे पास 2-3 ही स्किन है शायद, तो ये भी आ जाएगी तो और अच्छी बात रहेगी। ओके, फिर आप लोग देखते हैं यहाँ पे जो हमारा जो सीज़न 13 का जो टिकट होता है, जो आता है ना हम लोग जब गेम ऑन करते हैं फर्स्ट टाइम, तो आप लोग देख सकते हो ये उस तरीके का रहने वाला है सीज़न 13 का पार्ट 1 का, जहाँ पे यार 100 RP आउटफिट है, दोनों 100 RP वाला आउटफिट है, लावा सुपरमैन, फ्लैश सुपरमैन और एक और एक्स्ट्रा आउटफिट है जिसके बारे में मैंने बताया था आने वाला है। ओके, फिर नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये है पार्ट 3 है उसका ही, जिसमें आप लोग टायर रिवॉर्ड देख सकते हो यहाँ पे, सीजन 13 का एस प्रायर का पैराशूट है यहाँ पे, ऑक की स्किन है जो कि हम लोग को डायमंड पे मिलती है, और प्लेटिनियम वाला सेट है, गोल्ड वाला सेट है, प्लेटिनियम वाला हेड गेयर पहना हुआ है बंदे ने, तो ये पूरा कंप्लीट लीक्स है। यहाँ पे टायर रिवॉर्ड का लीक भी आप लोग इसी तरीके से देख सकते हो, जो हम लोग को देखने को मिलने वाला है सीजन 13 में, जो कि यार बहुत अच्छा टायर रिवॉर्ड लाया है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बनाया है, ऑक की स्किन भी बहुत अच्छी लेके आ रहा है, बट कहीं ना कहीं बोलूंगा सूट भी अच्छा है, बट कहीं
ना कहीं हेड गेयर जो है ना जो सिर पे वो पहना हुआ है वो उतना अच्छा नहीं है, वो और बेटर कर सकते थे ये लोग। ओके नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये हमारी AKM की नया अपग्रेडेबल स्किन आने वाली है, जो कि यार इसका नाम अभी तक मतलब कंफर्म नहीं हुआ है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये हमारी वहाँ पे किल मैसेज भी बना हुआ है, आप लोग वहाँ पे देख सकते हो ये हमारी AKM की स्किन जो कि स्पिन में आएगी। ओके आप लोग देख सकते हो वहाँ पे राइट साइड में कैसी अपग्रेडेड है पूरी, तब जाके कितनी खतरनाक दिख रही है, कुछ डायनासोर टाइप उसमें बना हुआ है पूरे गन पे। ओके फिर नेक्स्ट बात करी जाए तो हम लोग को यहाँ पे कार 98 की अपग्रेडेबल स्किन देखने को मिलने वाली है। जैसे कि आप लोग वहाँ पे किल मैसेज देख सकते हो, किल मैसेज वहां पे लिखा हुआ है। ओके और इसकी स्किन दिखाऊं मैं आपको तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, आप लोग राइट साइड देख सकते हो ये भी कुछ ड्रैगन टाइप बना हुआ है। तो हम लोगों को ना यार ड्रैगन टाइप में सीजन 13 में शैनॉक में कुछ देखने को मिलने वाला है। यस गाइस शैनॉक में कुछ देखने को मिलने वाला है, लेट्स सी, या फिर ये 7 तारीख को जो है अपडेट आने वाला है उसमें कुछ देखने को मिल जाए। बट ड्रैगन से लेके बहुत सारी चीज़ें आने वाली है पबजी में, तो शायद ये लोग कुछ बहुत खतरनाक कर रहे हैं। इसमें कार 98 की स्किन भी आ गई है। ओके फिर नेक्स्ट बात करिए तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये है गोल्डन AKM की स्किन। अभी आप लोग बोलेंगे भाई ये तो आ चुका है, हाँ भाई ये आ चुका है और ये फिर से आने वाला है। सारी चीज़ें हम लोगों को ये ऐड करने वाला है पबजी मोबाइल, गोल्डन से जितनी भी थी ना US वगैरह और भी M16 की स्किन सब आने वाली है। आप लोग देखते हो ये AKM की स्किन ये लोग रिवाइंड डाल रहे हैं वापस। फिर ये है हमारी एक UMP की स्किन, ओके जो कि MP9 के नाम से आने लिए गोल्डन का पुपेट नाम करके इसका रहने वाला है शायद। ओके सो ये आप लोग देखते हो, और ये हमारी गोल्डन M16 की स्किन जो कि यार ये भी काफ़ी OP थी, हम लोग ये पहले भी आ चुकी है, ये फिर से आने वाली है। ठीक है ये हम लोग को वापस से ये लोग ऐड करके देने वाले हैं। फिर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारा है ये गोल्ड ड्रेस US की स्किन, आप लोग देख सकते हो जो कि यार ये बहुत तगड़ी स्किन है, ये हम लोग को देखने को मिलेगी सीजन 13 में, जो कि यार मेरे हिसाब से बहुत सही स्किन है ये वाली। ओके फिर नेक्स्ट बात करी जाए गाइस तो अगर मैं हम लोग को मतलब यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं हमारे नए इमोट्स जो कि हम लोग को यार सीजन 13 में देखने को मिलने वाले हैं, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कुछ ये सारे इमोट्स है यार, आप लोग देख सकते हो सीजन 13 में आते ये कुछ यार वो तेरी काले काले आंखें तुरुरू तुरुरू वाला याद दिलाता है, आप लोग देख सकते हो जो कि यार मेरे हिसाब से बहुत औसम लग रहा है यार। और आप लोग देख सकते हो ये डायनेमिक वेव डांस नाम से ये वाला एक हम लोग को देखने को मिलने वाला है हमारा इमोट जो कि सीजन 13 का ऑफिशियल इमोट है। ओके हम लोग को ये भी देखने को मिलेगा, और ये है नेबुला हीरो करके आप लोग देख सकते हो, जो कि ये भी यार बहुत मस्त है, मतलब बहुत सही लग रहा है यार ये आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि आपको ये तीनों में से कौन सा इमोट ज़्यादा बेटर लगता है। ओके मतलब तीन इमोट मैंने आप लोगों को दिखाए, तीनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर लगता है नीचे ज़रूर कमेंट करके बताना। ओके तो गाइस ये थी पूरी कंप्लीट वीडियो, यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें A to Z आप लोगों को बता दी कि क्या क्या नया आने वाला है सीजन 13 में, पेड और अनपेड इवेंट वगैरह जो भी आने वाले हैं क्या क्या रहने वाला है। और अगर आप लोग को और जानना है जैसे कि मैंने बताया वीडियोज डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके देख सकते हो, मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी है तकरीबन। अभी एंडी कैरेक्टर बचा हुआ है जो कि एंडी कैरेक्टर के बारे में मुझे आप लोग को बताना है। ओके तो आप लोग यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ ताकि जब भी कोई सी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ ये वाली वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप अपने दोस्तों के बताओ यार इस मतलब नए अपडेट के बारे में, नए लीक्स के बारे में, उनको भी अप टू डेट रहें इससे। ओके सो गाइस ये था कंप्लीट वीडियो, उम्मीद आपको वाला वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय एंड पीस आउट। और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना।